तो कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे स्पीकर्स की, कार के स्पीकर्स की, 12 इंचेस, 8 इंचेस, 6 इंचेस, 5 इंचेस, 4 इंचेस, सारे स्पीकर यहाँ पे असेंबलिंग की जा रही है, देख सकते हो। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मशीन्स वगैरह हैं यहाँ पे, ग्लोइंग हो रही है, टैगिंग हो रही है। तो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे कार के स्पीकर, बेस ट्यूब, एम्पलीफायर, सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है, और ये ऑनर है। हेलो अंकल जी। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया अंकल जी। एक बार व्यूअर्स को अपने ब्रांड के बारे में बताओगे, कौन कौन से ब्रांड है और फर्म? हमारे पास साउंड बॉस, साउंड फायर और बिलास, तीन ब्रांड है। तीन ब्रांड। ओके अंकल जी, ये जो बिजनेस है आपका कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे? हम लोग इस लाइन में 1986 से हैं। ओके, 1986 से, मतलब एकदम ट्रस्टवर्दी ब्रांड है आपके, जो भी ब्रांड है आपके, साउंड बॉस, साउंड फायर वगैरह। सो गाइस, आज पूरा प्रॉपर टूर होगा इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और स्टार्टिंग में आपको, मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ बताया जाए, कैसे स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो अंकल जी, स्टार्ट करें हम वीडियो को? करिए। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी ताकि आपको भी देखने में मजा आए, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सब कुछ रिवील होने वाला है इस वीडियो में। अंकल जी, अगर आपके साथ जुड़ के किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कैसे प्रोसेस होगा, अगर बताओगे व्यूअर्स को? वो हमारे साथ जुड़ के अपना काम कर सकता है। OEM वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ जाएगा ना? हम करीबन 4-5 कंपनियों के बनाते भी हैं। ओके, और ऑल इंडिया आपकी डिलीवरी वगैरह भी, आप कहीं भी डिस्पैच वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखना, ये फर्स्ट टाइम है, हम एक यूनिट की वीडियो बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जहाँ पे सारी कार एक्सेसरीज मैन्युफैक्चर होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। सो गाइस, चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और जितने भी स्पीकर वूफर वगैरह जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सब दिखाएंगे आपको, जिस तरीके से होती है मशीन से, टेस्टिंग वगैरह भी दिखाएंगे, कैसे वर्क करती है मशीन वगैरह, वो सब दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ये है भैया। हेलो भैया। हेलो भैया, एक बार इंट्रो दे दोगे अपने व्यूअर्स को? मेरा नाम सुबोध है। ओके, एक्चुअली यहाँ सारा मतलब मैनेज का काम जो भी है वो मेरा है। आपका? यस। मींस आप जो अंकल जी थे उनके बेटे हो? यस। हाँ जी। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम, चले अंदर। ठीक है। सो गाइस, ये स्टार्टिंग है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये आंटी जी है यहाँ पे जो कि ट्विटर वगैरह असेंबल कर रही है, ये देख सकते हो। इस तरीके से फैक्ट्रीज में, मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इस तरीके से जो ट्विटर्स होते हैं हमारे, ओल्ड स्पीकर के हैं ना भैया सारे, तो ओल्ड स्पीकर के सारे ट्विटर्स हैं यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इस तरीके से फेजिंग की जा रही है। ये टू फेज है भैया, थ्री फेज है? ये टू है भैया, अभी टू फेज के ट्विटर्स यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है। ओके, अब बाकी जो है ये भैया हमें कराएंगे। ओके भैया, स्टार्ट करते हैं हम। टैगिंग हो रही है पहले? ओके, सबसे पहले टैगिंग हो रही है। इस तरीके से टैगिंग हो रही है, मींस जहाँ पे हमारी टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे, करेक्ट? तो ये हमारी टैगिंग मशीन है, मैग्नेट से ग्लोइंग होगा। ओके, ग्लोइंग हो रही है, और जितने ही वर्कर्स है बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, देख सकते हो गाइस, जितने ऑर्डर आप करोगे उतनी बेटर। इस तरीके से यहाँ पे ग्लोइंग हो रही है, ये मशीन है। ओके, ये भी ग्लोइंग है यहाँ पे? ग्लोइंग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब फिटिंग होगी सारी। फिटिंग होगी? हाँ, फिटिंग होगी, असेंबलिंग होगी। हाँ, असेंबलिंग होगी सारी की सारी। ओके, और उसके बाद आगे जाके यहाँ पे सारे हमारे रेडी हो रखे हैं, सारे रेडी हो रहे हैं, कनेक्शन होगा, रेडी होगा, उसके बाद आगे जाके वो चेकिंग होगा विद साउंड, विद मैकेनिक, मैकेनिज्म सारा दिखाया जाएगा। तो ये किस ब्रांड के यहाँ पे ब्रांडिंग कौन सी है स्पीकर्स में? OEM भी है। ओके, OEM के बाद मतलब जो भी अपना करना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड खुद के भी ब्रांड है, साउंड बॉस है, साउंड फायर है, एंड अदर ब्रांड ऑल्सो, एंड जो दूसरे भी हैं दूसरे भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो रखे हैं स्पीकर। ये कितने इंच के हैं? ये 6 इंच है अभी। 6 इंच है। हाँ। और ये वाले ओवल स्पीकर, 6-9 इंच ओवल स्पीकर है। ओवल स्पीकर है। ये देखिए गाइस, एक बार देख सकते हैं भैया, ये देखिए, अगर पीछे से देख सकते हैं, और सबकी जो मैग्नेट है बहुत ज्यादा हैवी है। ये देखिए, कितना वेट होगा भैया इसका? भैया ये हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो वाला है। ओके, इससे ऊपर भी आते हैं और उसमें हाई हो जाते हैं और ज्यादा। ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारी चीजें। इनकी हम टेस्टिंग भी करने वाले हैं, जितने भी स्पीकर दिखाने वाले हैं सारा मैं तो आपको दिखाता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप कौन सा भैया, हम क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद है आपका फिटिंग के बाद चार्जिंग, चार्जिंग होने के बाद या चेकिंग। चेकिंग क्या होता है कि मतलब कहीं हमारा पीस खराब तो नहीं है, या कहीं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, या फिर कोई क्वालिटी में इशू तो नहीं है। Okay. सारा पहले हम यहाँ चेक करते हैं, उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एक चीज है टेस्टिंग होती है, विद साउंड भी टेस्टिंग होती है, विद मैकेनिज्म भी टेस्ट होता है, तो कि भैया क्वालिटी एश्योर्ड है ना,
नहीं है तो वो पीस नहीं जाता, आगे हम साइड कर देते हैं उसको। एक बार यहाँ पे देखे हम किस तरीके से मैग्नेट चार्ज होती है। मैग्नेट चार्ज दिखाइए भैया कैसे होता है चार्ज। ये आपने रखा, ये हमारी कितनी फेज की मशीन है? ये फेज 3 फेज की मशीन है। ओके, ये चार्ज हो गया आपका। चार्ज होने के बाद ये देखिए, ओके चार्ज हो गया। यहाँ पे चार्ज होने के बाद चेकिंग हो रही है। अब यहाँ चेकिंग क्या हो रही है ये देखिए आप, कई इशू तो नहीं है, सारी चीजें बबलिंग बबलिंग सब। ये मतलब डन है, वर्किंग है ना? डन है, वर्किंग है। अभी ये साउंड कर रहा था, कैसे साउंड कर रहा था? कुछ साउंड का भी दिखाइए भैया, साउंड वाला पेन खोलो। ओके, इसे पता चलता है कि कहां इशू है कहां नहीं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी एक तरीके से है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी टच भी हो गया, करा जा दे का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं साउंड में कहीं आगे इशू तो नहीं आएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट प्रोसेस? नेक्स्ट प्रोसेस उसके बाद भी आपका। अच्छा, मैं ये स्पीकर दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइस देख सकते हो ये 5 इंच और के स्पीकर नहीं है, ये 6.5 इंच, 6.5 इंच दो स्पीकर कार के। और गाइस सारे रेडी हो रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही लार्ज स्केल पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम अभी कर रहे हैं, जो अपने चल ही रहे हैं। और ये स्पीकर भैया, ये स्पीकर भैया आपका छोटा होता है, 4 इंच में आता है ये होम थिएटर डीजे टावर वगैरह में। हाँ जी, उसमें लगता है ये। ये भी बनता है हमारे पास, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे तो दे सकता है, क्वांटिटी हम कर सकते हैं और ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, सारा चीज है अपने पास। ओके, उसके बाद कुछ हमारे हैं ये स्पीकर्स, ये मतलब क्वालिटी वाइज प्रीमियम वाइज सारी एकदम बढ़िया चीज है, कोई ऐसी नहीं है कि मतलब हो। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। ये कितने इंच का है? ये 6 इंच का स्पीकर है, डोर में भी लगता है, पीछे भी लगता है। टेस्टिंग करते हैं इसकी। नॉमिनल होते हैं वो, हम टेस्ट करते हैं एक बार, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। एक बार अगर एक टेस्ट हो जाता है मतलब स्पीकर, उसके बाद ही उसका होता है। अबाउट विदाउट क्यूसी हम उसको बनाते ही नहीं आगे। ये ऊपर में बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, 6x9 ओवल। ये माइका कौन है ना? हाँ जी, माइका कौन है ना ये? हाँ, ये अलग अलग कौन है सब में, मतलब एक और इसमें रबर सराउंड है ना, ये रबर सराउंड है ये। ठीक है, एंड ये 3-way है पूरा प्रॉपर। एंड नाउ ये 8 इंची का सबवूफर है। okay. हम इसको दे रहे हैं, अच्छा जा रहा है, ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में बहुत अच्छी क्वालिटी है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था इसका। अभी ये चीज अभी ये कितने वाट में था बूफर? ये अराउंड भैया 280 वाट है। इसमें दो चॉइस है हमारे, दो चॉइस है, 240 वाट भी है। okay. दो मतलब कोन है, अलग अलग कोन है। okay. अलग अलग साउंड इफेक्ट भी है, वेराइटी मिल सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद अभी बेस ट्यूब तैयार हुई है। ओके, 8 इंची बेस ट्यूब है विद एम्प, विद ड्वेल मैग्नेट एंड ड्वेल कॉइल। ब्रांड क्या है इसका? साउंड फायर। साउंड फायर, एक बार देख सकते हैं ब्रांडिंग। बस इसमें डबल मैग्नेट लगा हुआ है, अच्छी क्वालिटी का। देख ले हम एक बार वो डबल मैग्नेट। ये देखिए सारे स्पीकर यहाँ पे रेडी हो रखे, बूफर
और ये फोम सराउंड में है ना? हाँ, फोम सराउंड में भी। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, हैवी वेट में है। 12 इंची डबल मैग्नेट अभी लॉन्च किया है, 1300 वाट करंटली लॉन्च किया है। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर्स, ऑरेंज एंड ब्लैक। ओके, कितने वाट में है ये? 1300 वाट मैक्स है। 1300 वाट नॉमिनल एंड 1300 वाट मैक्स। ओके, एक बार उठा के देख सकते हो भैया? हाँ भैया, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वालिटी, देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैग्नेट का साइज देखिए, और जो कैप की फिनिशिंग है एकदम प्रोफेशनल तरीके से कैप लगाई गई है। ओके भैया, और ये वाला? ये भैया सेम है, बस साउंड फायर का। साउंड फायर का। ओके, इसकी जेन्युइनली माइका कोन है ना? यस। ये कितने वाट में होगा ये भैया? दोनों सेम है, दोनों सेम है। लुक का डिफरेंस, लुक का डिफरेंस है। और यहाँ पे इसमें आपको फोम सराउंड देखने को मिलेगा। इसमें दो तरीके का डिफरेंस है, अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए दैट इज Which I recommended. Okay. And अगर आपको दोनों ज्यादा चाहिए, okay. ये recommended. ये perfect एक तरीके से. ये perfect एक तरीके. Next. और ये बेस ट्यूब है। इसमें yes. कितने इंच का सबवूफर है? ये इसमें 8 इंची का सबवूफर है, okay. अंडर सीट है ये. अंडर सीट. और ये वाला स्पीकर कितने वॉट में भैया? भैया ये वॉट है आपका 5 to 5 हम बोलते हैं साउंड फायर में। ओके, एंड विद अ स्पेसिफिक ग्रिल, ग्रिल भी है इसके साथ। यस, ग्रिल के साथ है एंड 250 वॉट्स मैक्स है, 36 इंच में। ओके, और ये पैकेजिंग है? यस, अगर किसी को अपनी पैकेजिंग चाहिए, यहाँ पे जैसे साउंड फायर है, अगर किसी को अपना चाहिए तो वो भी कर दो क्या? कर देंगे, होता है, करवा सकते हैं किसी पे भी ना? हाँ, करवा सकते हैं। और अच्छी खासी क्वांटिटी में, लार्ज स्केल पे किसी को करवाना है, 5000-10000 पीस कर रहे हैं सर, सबके साथ कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखना। यहाँ पे भी भाई हमारे ये कर रहे हैं, और यहाँ पे टैगिंग हो रही है। और सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो रहा है, ये देखिए गाइस, मतलब प्रॉपर इंटरेस्टिंग काम हो रहा है यहाँ पे। भैया आप क्या देखने वाले हम? भैया 4 inch 2-way। ओके, साउंड फायर का। साउंड फायर का, और इसके साथ भी ट्यूटर अटैच है। हाँ, ट्यूटर अटैच है, अभी 12 वाला भी निकलेगा थोड़े दिनों में। ओके, अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं हम। हाँ, सब Correct. स्पीकर के साथ ग्रिल है, विदाउट ग्रिल भी आते हैं, वो अभी लॉन्च होने वाला है। Okay. एक ही आपका सिस्टम है। क्वालिटी वाइज कोई भी कमी नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं क्वालिटी, जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो है सर। और कैबिनेट्स वगैरह भी आपके पास? कैबिनेट्स, बॉक्स कैबिनेट, हाँ है सर, देख सकते हैं एक बार। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। गाइस, कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पीकर्स की, आप देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये देखने को मिला हमें। हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। ओके, तो ये रॉ मटेरियल है हमारा, ठीक है। और ये भी रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल बेस ट्यूब का। यस, ठीक है। सो गाइस, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ इस तरीके से स्पीकर असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेस है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सारे स्पीकर रेडी हो रखे हैं। ओके, ये हमारी मैग्नेट चार्जिंग मशीन है, जहाँ पे हमारी किट चार्ज होती है, और यहाँ पे साउंड टेस्टिंग मशीन भी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, मीन्स पसंद आ रही होगी। अभी बहुत ही कुछ दिखाना है आपको, तो कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे स्पीकर्स की, कार के स्पीकर्स की। 12 inches, 8 inches, 6 inches, 5 inches, 4 inches सारे स्पीकर यहाँ पे असेंबलिंग की जाती है, देख सकते हो। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मशीन वगैरह है, यहाँ पे ग्लोइंग हो रही है, टैगिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है कम्प्लीटली। और ये कुछ लुक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। ओके, तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। और कुछ भी आपको बनवाना है, मतलब आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो नंबर वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी भैया बताएंगे आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इनको। ओके ओके भैया, ये हमारा 8 inch बॉक्स है। ओके, विद स्पीकर है अंदर 8 inch का,
इसको लोग गाड़ियों में भी लगाते हैं, एम्पलीफायर के साथ भी घरों में भी जोड़ते हैं, ऑटो वगैरह में भी, सब में जोड़ देते हैं ये। सब में चलेगा, यूनिवर्सल है एंड बढ़िया चीज है विद क्वालिटी। आप अभी सुनेंगे तो आपको बेस का मालूम पड़ा होगा, बेस प्रोडक्शन इसका कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टार्ट करता हूँ मैं, देख लीजिए। मेनली होता क्या, जब आप गाड़ी में लगाएंगे ना साउंड, तभी आपको पता चलेगा, तभी पता लगेगा। ऐसे नहीं, मतलब ये फिटिंग हुआ हुआ है तो आपको पता चल रहा है बेस कितना निकल रहा है, कहाँ से साइज हो रहा है, फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो उतना पता कैसे लगेगा, भी नहीं चलेगा। तो ईयरफोन लगा के सुनना गाइस, तो आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके भैया, हम टेस्टिंग देखने वाले हैं, कौन सा स्पीकर है ये? 12 इंच का स्पीकर है विद डबल मैग्नेट। ओके, ये आपका चेकिंग हो रही है कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर या कोई परेशानी तो नहीं है? एंड ये बबलिंग होती है जितना, वो साउंड वाला करना एक बार, और वो हमारी मशीन है, क्या बोलते हैं उस मशीन को भी? मल्टी लाउड स्पीकर टेस्टर है वो। ओके, सो गाइस ये देखिए, इस तरीके से टेस्टिंग होती है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, अब ये वाला करें हम, ये कितने वाट में? ये आपका 300 वाट में है, ये वाला अभी नया सैंपल है। ओके, 1300 वाट, 300 वाट नॉमिनल, हाँ मतलब पीक पावर 1300 वाट। हाँ जी, इसकी टेस्टिंग करते हैं 10 इंचेस में ना? यस, 10 इंचेस में। उसका मैक्स पावर कितनी है उसकी, पीक पावर का अभी डिस्क्लोज नहीं है। अच्छा, अभी इसको वो करने वाले हैं हम ना, चार्ज करने वाले हैं इसको, कुछ इस तरीके से चार्ज होता है, मींस मैग्नेटाइज होता है, दो तीन क्लिक में, मींस 3 सेकंड में हो जाता होगा ना ये? 3 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड हो गया, डन। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसकी क्वालिटी एक्चुअली में बहुत अच्छी है। ये अभी सैंपल बना है, अभी स्टार्ट होने वाला है, ये मतलब एकदम न्यू उतरने वाले हैं मार्केट में। ओके, नेक्स्ट 8 इंचेस सिंगल मैग्नेट। दूसरा इसमें दो तीन चीजें हमारे, अच्छा तो गाइस ये थी टेस्टिंग हमारे बूफर्स की। ओके भैया, हमारी डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन TS9। ओके, 232 विद कार प्ले एंड एंड्रॉइड प्ले। ओके, एंड एक्चुअल 232 है, एंड आप इसमें आप चेक कर सकते हो QLED है ये, QLED में, और 232 है। पीछे से लुक देख सकते हैं, पीछे से लुक देखिए भैया। ओके, GPS वगैरह तो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सारे USB विद GPS। ओके, एंड मेन इसका मोटो ये है कि 232 एक्चुअल एंड स्पीड है इसमें। ओके, और ये आपकी ब्रांडिंग है साउंड फायर। हाँ जी, और नेक्स्ट हमारे पास कोई और है? अभी एक नॉर्मल भी है इसमें 232 विदाउट आपका कार प्ले एंड ऑटो प्ले, ये भी आपका अच्छा चलता है विदाउट QLED, दोनों अवेलेबल है। मोस्टली तो हमने कवर कर लिया, एंड पैकेजिंग आपको दिखा दी है, प्रोडक्ट आपको दिखा दिए हैं, नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बोलना चाहोगे व्यूअर्स को जो आपकी वीडियो देख रहे हैं और जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? भैया क्वालिटी एश्योरेंस पूरी है। ओके, कोई शिकायत का नहीं है, एंड आप खुद ही देखेंगे जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप अपना ऑर्डर करके देखिए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा है क्या नहीं है। ओके, एंड यही है, कोई भी जुड़े मोस्ट वेलकम है, देयर इज नो इशू, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू भैया, वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। यस भैया, थैंक यू। ओके।
तो गाइस ये थी साउंड बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट का भी टूर करेंगे हम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे आपको, अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, वूफर वगैरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ओके अंकल जी बताइए। ये हमारी पूरी यूनिट आपने देखी होगी, पूरी यूनिट है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं, सब इक्विपमेंट है, और हम बल्क क्वांटिटी में देने के लिए एकदम रेडी है। हम देते भी हैं 3-4 कंपनियों को, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं। जितना हो सके उतना कॉन्टेक्ट करें, बाय कीजिए, एक बार अंकल जी को मौका दीजिए। सारे प्रोडक्ट एकदम क्यूसी चेक हैं, सेटिस्फाइड है, ऑल इंडिया इनकी डिलीवरी है, और बहुत ज़्यादा क्लाइंट भी है इनके ऑल इंडिया डिलीवरी में। सो अंकल जी थैंक यू, नाइस टू मीट यू, धन्यवाद, थैंक यू। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गो। सो गाइस ये था टूर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, स्पीकर्स वगैरह, बूफर वगैरह, कार की एक्सेसरीज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सो लेट्स गो।